ये जी वाइट नस्ल का जो है तरबूज है, लेकिन मीठा 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 है। बन्नी कांजिया यहाँ पर जी हिंदवाड़े भी होते हैं, और ये हिंदवाड़े जो होते हैं सफेद कलर के हैं। हाँ जी तरबूज हैं, बल्कि शरबूज हैं ये। ये है जी चिबड़, ये चिबड़ है। ये देखें, हाँ ये देखें जी चिबड़। कुछ पके हुए भी हैं, और अभी हमने जो है इनके साथ नाश्ता किया है। क्या लजीज और टेस्टी नाश्ता था। और ये है थर, हिंदवाड़े जो है यहाँ पर जो है वाइट कलर के होते हैं। ये देखें जी, ये बिल्कुल पक चुका है, पक्का है। और इसको हम जो है निकालेंगे, इसको टेस्ट भी करेंगे, चेक भी करेंगे कि ये कैसा है। ये लें जी, ये पका है जी, ये लें, ये पकड़ लें, बिल्कुल लाल है जी ये। ये देख, काफी सारे हमने इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये देखें, ये देखें, ये बेहतरीन है, पका हुआ है। हाँ ये देखें जी, इसके अंदर बीज जो है पका हुआ है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। ये इसकी सब्जी भी बनती है, और चटनी इसकी जो है बहुत लजीज बनती है। पंजाब में जो है इसकी चटनी होती है। और ये तरबूज हैं, ये वाइट कलर के होते हैं। ये जैसे ही बाहर से वाइट हैं, अंदर से भी ये वाइट होते हैं, लेकिन मीठे होते हैं। ये हम पंजाब से आए हैं, और यहाँ से जो है कुछ बीज जो है वो तोहफे के तौर पर जो है इकट्ठा किया जा रहा है। ये मोठ हैं, दाल के तौर पे इसकी जो है दाल बनती है। थर का बहुत ही खूबसूरत इलाका है मिट्टी, जहाँ पर हम मौजूद हैं मिट्टी का ये इलाका है। और यहाँ पर जो है इनका दारो मदार टोटल जो है सभी बारिश के पानी पे है। देखें किस कदर खूबसूरत जो है, पानी बिल्कुल नहीं है, बारिशों के पानी पर जो है इनकी ज़िंदगी का दारो मदार होता है, और बारिशों के पानी पर जो है ये गुजर बसर करते हैं। यहाँ पर जो है इस वक्त इन्होंने बाजरी काश्त की हुई है। यहाँ पर बाजरा होता है, मोठ होते हैं, तिल होते हैं, और ग्वार होती है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ये तीन चार आइटम जो है यहाँ पर होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर शरबूजे होते हैं, हिंदवाने वगैरह होते हैं। मथेरा यहाँ का एक जो है लजीज सब्ज़ी होती है, वो भी यहाँ पर होती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये थर है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की जगह। आप देखें कि बिल्कुल जो है फसल इस वक्त इनकी जो है कुछ दिनों के बाद ये पकना शुरू हो जाएगी। ना कोई स्प्रे, ना कोई खाद, ना कोई चीज़ जो यहाँ पर इनमें जो है ज़रिए अद्वियात किसी किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। बारिश के पानी पर जो है ये काश कर देते हैं, फिर दोबारा बारिशें होती रहती हैं, तो फिर उन्हीं बारिशों पर जो है ये जो है चीज़ें पकती रहती हैं। और ये हमारी गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों पर जो है हम सफ़र कर रहे हैं। बगैर पानी के जी ये फसलें होती हैं। छाँव के लिए छोटी सी जो है टोबा गोपा टाइप जो बनाया गया है। अब जो है इन फसलों की रखवाली के लिए यहाँ पर जो है एक गेट बनाया जाता है कि इसके अंदर जो है जानवर वगैरह ना हो आए। और ये जो है इस गेट पर जो है माली है जो ड्यूटी देते हैं। ये बाड़ लगाई हुई है, टोटल फसलों के बाहर जो है बाड़ें लगी हुई हैं। पानी का मसला है यार, और यहाँ पर कुछ छोटी सी आबादी है, थोड़ी सी आबादी है। इस थर में जो है गधे हमने बहुत देखे हैं। पंजाब में तो गधों की कमी है, इधर जो है बहुत है। ये आपको दिखा रहे तीन इकट्ठे हैं, इकट्ठे फिर रहे हैं। इस वक्त जो है एक थर के किसान मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो ये फसल कैसे काश्त करते हैं। जी चाचा की पोखींदा है, बरसात पानी दिया देगा वो चीज पोखींदा हूं, बस का कर रहे हूं। केड़ी शायद पोखींदा होते हैं, बाजरा, ग्वार, मूंग, कोरड़। अच्छा किया हो तिर वगैरह तिर पाए ना घणो थी है दवा फसल हम जो फसल घट घट थी है इत की बारिशों घणी थियो नी घट थियो न बसा रेल घट है घट बारिशा इया खपत आए बसा जो ठीक उने। अच्छा जी इने में खाद बाद कुछ स्प्रे शप्रे कुछ करना हो या कुछ भी ना करना है गुडगुड़ा भी करना है गोडी छोड़ी करना हो जी हां खाद वगैरह कौन बिजदा ना को बियो का स्प्रे वगैरह कोई शै ना कोई शै ना गुड।
ये देखें जी, ये फसल जो है बगैर स्प्रे के और बगैर जो है खाद के, बिल्कुल जो है नेचुरल तरीके से कुदरती तौर पर जो है ये हर चीज़ जो है यहाँ पर पकती है। उसके बाद ये लोग जो है इसको इकट्ठा करते हैं। 20 एकड़ हैं जी, 20 एकड़ हैं, 20 एकड़ पे जो है ये इन्होंने काश्त की हुई जी। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मूंग जो है वो लगे हुए हैं, कुछ मूंग जो है कुछ कुछ तैयार हैं। ये जी यहाँ पर जो है जीप चलती है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिलो थरपारकर है, तहसील चाचरो है, और इसका ये आखिरी शहर है मुबारक रिंद। ये बॉर्डर के तकरीबन साथ है, इंडियन बॉर्डर के। तो आपको दिखाते हैं दुकानें भी और इस शहर का विज़िट भी करवाते हैं। छोटा सा शहर है ये, बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है छोटे छोटे कैबन लगे हुए हैं, और सब्जियों में इधर जो है फ्रूट की ये रेडी भी है, और ये कुछ फ्रूट में ये सेब पड़े हैं, प्याज वगैरह हैं, पुराना सामान है। यहाँ पर जो है जीपें चलती हैं किराए के लिए, और आगे चलते हैं और आपको जो है आगे का विज़िट भी करवाते हैं शहर का। जानवरों की खूबसूरती के लिए जी यहाँ पर जो है रखे गए कुछ सामान है, छोटी छोटी दुकानें हैं, और सब्जी जो है यहाँ पर, ये यूनियन काउंसिल है जी हरारा ताल को चाचरो जिलो थरपारकर। तो आपको यहाँ की जो है रवायती सब्जी भी दिखाएंगे, ये है जी यहाँ की रवायती सब्जी जिसे चिबड़ भी बोलते हैं और मतेरा भी बोलते हैं, ये वाली है, और ये है इसका जो है सालन बहुत टेस्टी बनता है। यहाँ पर जो है बलोचों की जो है ज़्यादा दुकानें हैं, मुख्तलिफ दुकानें जिनमें से बलोच रिंद जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि ये इलाका उन्हीं का है। तो बॉर्डर का ये लास्ट शहर था, आगे चलेंगे आपको जो है शहर के आगे के भी हालात दिखाएंगे। दोपहर का वक्त है, गर्मी है यहाँ पर, इतना जो है मौसम इतना ठंडा नहीं है, तो लोग जो है यहाँ पर आबादी भी कम है, थोड़े थोड़े लोग रहते हैं, उस हिसाब से जो है ये शहर है। ये एक चाय का होटल है, और पकोड़े वगैरह भी भाई ने रखे हुए हैं, तो पकोड़े भी चेक करते हैं इनके, और चाय भी पीते हैं। ये जी यहाँ की मिठाइयाँ हैं। हाँ भाई, रेट बताओ मिठाई का, मिठाई का रेट तो पूछो। कैसे है भाई, किलो कैसे दे रहे हैं? ये आप गाड़ियाँ देखें, बहुत ही खूबसूरत किस्म की गाड़ियाँ सजाई हुई हैं, घोड़े भी जो है वो भी हैं यहाँ पर। ये मेला एक लगता है, यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर जो है घोड़े जा रहे हैं, और यहाँ पर जीपें चलती हैं किराए पे, सवारियों के लिए जीपें इस्तेमाल की जाती हैं, और ये शहर है। यूनियन काउंसिल हरार है जी, ये पाकिस्तान का आखिरी शहर है जो बॉर्डर पे थरपारकर की साइड पे लगता है। तो हम आए हुए हैं थरपारकर में। पाकिस्तान का झंडा है।